राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर शुरू किया गया विवाद बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। शांति भंग की आशंका के बाद मुंबई में कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इस विवाद के बाद सत्तारूढ़ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को यह स्पष्ट किया है कि शिवाजी पार्क में लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए भाषण की पटकथा भाजपा ने जो लिखी या प्रायोजित की थी, इसी मुद्दे पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि राज गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एक सभा के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि राज्य की जनता ने शिवसेना नहीं बल्कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को जनादेश दिया था, सरकार कभी नहीं चाहती थी। इस पर राउत ने कहा कि मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों की अकल दाढ़ में इतनी देरी से क्यों निकलती है। विधानसभा में बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं। राउत ने आगे कहा कि 2019 में एमवीए सरकार के गठन से पहले शिवसेना और भाजपा के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को दखल देने की जरूरत नहीं है। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन चलता है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या भाजपा शासित राज्यों में लाउड स्पीकर पर अजान बजाना बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।